हेलो गाइस, इस गर्मी के मौसम में भी अगर आप लोग चाय का मजा लेना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे हर्बल चाय के बारे में बताऊंगा जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में दूध वाला चाय जो है पीने का हरगिज मन नहीं करता है। और बहुत सारे लोग जो है दूध वाला चाय पीने से कतराते हैं, क्योंकि अगर दूध वाला चाय अगर गर्मी के मौसम में पीते हैं तो ये हमारे पेट में क्या करता है, गर्मी पैदा करता है, जिसके वजह से ये हमारे बॉडी को भी ये हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 5 हर्बल चाय के बारे में बताऊंगा जिसको पीने से क्या होगा कि आपके बॉडी को यह ठंडा रखने के साथ साथ गर्मियों के मौसम में अगर इसका आप लोग सेवन यानी यूज करते हैं तो ये आपके बॉडी के सभी प्रॉब्लम को भी ये ठीक कर सकता है। और ये चाय जो है घर पर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो और अपने पेट को ठंडा रख सकते हो। और इस चाय के पीने से आपके बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहने के साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहता है और आपके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन एलिमेंट को भी ये निकालने में हेल्प करता है। और ये गर्मी के मौसम में लू, हीट स्ट्रोक से भी आपके बॉडी का बचाव करती है। तो ये हर्बल चाय जो है आप अगर गर्मी के मौसम में पीते हो तो ये आपके बॉडी का मेटाबोलिज्म को भी तेज करती है और आपके वेट लॉस में भी ये हेल्प करती है। तो आइए जानते हैं गर्मी के मौसम में अगर आप लोग अपने बॉडी को ठंडा रखना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी चाय पीना चाहिए। तो मैं हूँ मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एप के फूरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका रोज टी यानी गुलाब का चाय। तो गुलाब का चाय जो है बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और गुलाब के पंखुड़ियों यानी गुलाब के पत्ते से बनने वाली चाय जो है हमारे बॉडी को ठंडा रखने के साथ साथ ये हमारे बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को भी ये ठीक करने में हेल्प करती है। तो गुलाब के चाय को बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक कप गर्म पानी लेना है। उस गर्म पानी में आपको गुलाब के पंखुड़ियों यानी गुलाब के पत्ते को उसमें डाल देना है। डालने के बाद जैसे आपका पानी आधा हो जाता है तो उस पानी को छान कर आप उसको गुनगुना करके या तो आप ठंडा करके भी पी सकते हो और टेस्ट के लिए इसमें आप शहद भी मिला सकते हो। दूसरे नंबर में आपका सौंफ का चाय। तो सौंफ का चाय जो है आपके बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सौंफ जो है आपको पेट को ठंडा रखने के साथ साथ ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो सौंफ का चाय बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें आपको हाफ चम्मच सौंफ को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको आपको गर्म होने देना है। जैसे ये गर्म हो जाता है तो उसके बाद आपको इसको गुनगुना करके इसको पीना है। तो इस सौंफ के चाय को पीने से क्या होता है कि ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करता है। नंबर तीन में आपका पुदीने का चाय। तो पुदीने का चाय गर्मी में पीने से क्या होगा कि आपके बॉडी को ठंडक का एहसास होता है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये चाय जो है इस चाय को पीने से आपके गैस और बदहजमी की प्रॉब्लम को भी आसानी से दूर कर सकते हैं और ये चाय आपके मूड को जो है क्या करता है, रिफ्रेश करने का भी हेल्प करता है और आपके मुंह के बदबू को भी ये ठीक करता है। तो इस चाय को बनाने के लिए आपको एक कप लाल चाय लेना है और उस लाल चाय में आपको पुदीने के पत्ते को तोड़कर आपको क्या करना है, उस लाल चाय में आपको मिला देना है। उसके बाद टेस्ट के लिए आप इसमें शहद भी मिलाकर पी सकते हो। तो इस चाय को पीने से क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप गर्मी के मौसम में क्या होता है कि आप बहुत रिफ्रेश फील करोगे और आपका बॉडी जो है ठंडा रहेगा। नंबर चार में आपका गुड़हल का चाय। तो गर्मी में अपने पेट को ठंडा रखने के लिए आप गुड़हल का चाय भी पी सकते हैं। तो इस चाय को पीने से क्या होगा कि आपके बॉडी के सिस्टम को भी ये हेल्दी करता है और ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस चाय को बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है और उस गर्म पानी में आपको गुड़हल के फूल को तोड़कर उसमें डाल देना है। उसके बाद जब आपका पानी जो है आपका कलर चेंज हो जाता है तो फिर उस पानी को आपको छान लेना है। उसके बाद गुनगुने होने पर इस चाय को पी लेना है और टेस्ट के लिए आप इसमें शहद मिलाकर भी आप पी सकते हो। तो इस चाय को अगर आप गर्मी के मौसम में पीते हो तो आपके बॉडी को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आपको गर्मी में ठंड का एहसास होने वाला है। नंबर पांच में आपका ग्रीन टी। तो ग्रीन टी आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ ये आपके बॉडी को ठंडा रखने में भी हेल्प करता है। तो इस चाय को बनाने के लिए आपको एक कप गर्म पानी लेना है। उसके बाद उसमें आपको ग्रीन टी के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, उसको उस पैकेट को में कप में डाल देना है। उसके बाद उसको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इस चाय को आप पी सकते हो। तो टेस्ट के लिए आप इसमें शहद भी आपको यूज कर सकते हो। तो इस चाय को पीने से क्या होगा कि आपके बॉडी को अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो इससे आप इजीली वेट लॉस भी कर सकते हो और इस चाय को पीने से क्या होगा कि आपके बॉडी जो है हेल्दी भी रहता है। तो गर्मी के मौसम में आप अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए इन हर्बल चाय का आप यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपके बॉडी में कोई बीमारी हो या आपको एलर्जी का कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से पूछ कर ही इन हर्बल चाय का आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।